नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे हॉटस्टार की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5। तो क्या दोस्तों ये पहले पार्ट से अच्छी है या नहीं, आपको देखनी चाहिए या नहीं दोस्तों, यही आज आपको बताने वाला हूँ। अगर बात करूँ दोस्तों स्पेशल ऑप्स 1.5 की, तो ये दोस्तों पहले पार्ट के मुकाबले काफ़ी छोटा है, क्योंकि 4 ही एपिसोड इसमें देखने को मिलते हैं और फोकस केवल दोस्तों हिम्मत सिंह पर ही किया गया है, जो मेन कैरेक्टर रहता है स्पेशल ऑप्स का। और यहाँ पे उसके लाइफ स्टाइल को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जो पहले पार्ट में हमें नहीं देखने को मिलता है। इसमें हिम्मत सिंह का लव एंगल भी देखने को मिलता है दोस्तों। वहीं इसमें कुछ नए कैरेक्टर जिसमें आफ्ताब भी नजर आएंगे दोस्तों, और के मैनर और आफ्ताब काफी अच्छे लगते हैं दोनों, जब साथ में एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। वैसे इस सीरीज की कहानी दोस्तों वहीं से शुरू होती है जहां से 1 की समाप्ति होती है, लेकिन ये दोस्तों एक फ्लैशबैक कहानी के रूप में दिखाया जाता है। इसलिए दोस्तों जब के मेनन को जवान दिखाया जाता है, तो उनके चेहरे पर जो VFX लगाए गए हैं वो थोड़े कमजोर जरूर दिखाई पड़ते हैं, जो अलग से ही मालूम पड़ जाता है, और इसको अच्छे से और दिखाया जा सकता था। वहीं स्टोरी की बात करूं दोस्तों, तो थोड़ी थ्रिलिंग कम है पहले के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शुरू से एंड तक एंगेज नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, शुरू करेंगे तो आप अंत तक इसे जरूर देख पाएंगे। BGM काफी इंटेंस और थ्रिलिंग रखे गए हैं, जो आपको रह रह के थ्रिलिंग का एहसास करवाते रहेंगे। उतने ट्विस्ट एंड टर्न तो नहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों पूरी सीरीज में, लेकिन हाँ अंत में 1-2 ट्विस्ट एंड टर्न आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर पहले के मुकाबले की बात करूं तो पहले के मुकाबले थोड़ा कम ग्रिपिंग थ्रिलिंग है ये सीरीज, लेकिन हिम्मत सिंह के स्टोरी को समझने के नज़रिए से दोस्तों ये सीरीज काफ़ी अहम है। अगर आपने पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट अगर देखना है तो वो देख सकते हैं, अगर ये नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर हिम्मत सिंह की स्टोरी को जानना समझना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों, सीरीज छोटा है तो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए।